यह बाढ़ जो आई है इसके लिए यहाँ की सरकार खास करके जल संसाधन विभाग के जो अधिकारी हैं उन दोषी हैं। जो हजारों लाखों घर बेघर हुए हैं, हम आपके माध्यम से, हम सरकार से मांग करते हैं जो उच्च स्तरीय जांच कराकर। आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार और मैं आपके साथ कुमार सौरभ। बता दें कि सीतामढ़ी में जो बांध टूटा है उसके बाद से प्रलयकारी बाढ़ लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। पूरा इलाका पानी में डूब गया है, लोग घर से बेघर हो गए हैं, लोगों के घर में रखे अनाज कपड़े सामान और उनके मवेशी तक बह गए हैं। इन सबके बीच हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल के बाजपट्टी के विधायक मुकेश कुमार यादव हैं। उनका क्या कहना है हम उनसे ही सुनते हैं। अभी जो बाढ़ आया उस पर क्या आपकी प्रतिक्रिया है, क्या लग रहा है? सबसे पहले राष्ट्रीय जनता दल के एक एक सिपाही जो बाढ़ में त्रस्त लोग हैं उनके प्रति संवेदना व्यक्त करती है, उनके प्रति उनके दुख सुख में एकदम खड़ा उतर रही है। और सभी राष्ट्रीय जनता दल के हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी के निर्देशानुसार सभी लोग को जहां बाढ़ से तबाह लोग हैं उनके प्रति हम लोग को सचेत रहकर उनको तक राहत पहुंचाने का, अपने ढंग से भी राहत पहुंचाने के लिए कहा गया है। लेकिन यह बाढ़ जो आई है इसके लिए यहाँ की सरकार खास करके जल संसाधन विभाग के जो अधिकारी हैं उन दोषी हैं, क्योंकि दोषी इसलिए हैं कि बाढ़ से के पूर्व तैयारी होनी चाहिए, जब बाढ़ नहीं आवे इसके लिए तैयारी होती है तो ये सभी जिला प्रशासन के द्वारा होता है, सभी विभाग के द्वारा किया जाता है। लेकिन शायद जल संसाधन विभाग के लोग जो अभी तीन जगह हमारे यहाँ जो बिलसंड में जो बांध टूटी है, मधकौल है, सोनी है, रुपौली है, और उससे हजारों घर बेघर लोग हो गए हैं, सबके घर पे पानी हो रहा है, मवेशी दह गया है, बकरी दह गया है, पूरी तरह अनाज कपड़ा लत्ता सब बाढ़ में तबाह हो गया है, सब लोग दह गया है, सब लोग घर छोड़कर एनएच के साथ चाहे ऊंची जगह पर अपना शरण ले रहा है, खाने के लिए बेबस है। इसके लिए जिला प्रशासन से मैं मांग करता हूं आपके माध्यम से कि जिला प्रशासन अविलंब वैसे लोगों को चिन्हित कर वहां अविलंब राहत सामग्री बटाए ताकि लोग अपना भोजन व्यवस्था करें और तिरपाल देकर बारिश भी होता है इसलिए तिरपाल की व्यवस्था होनी चाहिए, जो तिरपाल के नीचे अपना सर छुपा सके। तो राष्ट्रीय जनता दल और ये मुकेश कुमार यादव सरकार तक इस बात को पहुंचाएंगे और विधानसभा में इस मुद्दे को उठाएंगे कि बांध जिस प्रकार से टूटा है और बांध टूटने से जो तबाही हुई है उसमें कितने लोग बेघर हुए हैं, जो उसका असर हुआ है, इस मुद्दे को क्या सरकार तक पहुंचाया जाए? अभी जो क्षति हुई है, जो हजारों लाखों घर बेघर हुए हैं, हम आपके माध्यम से, हम सरकार से मांग करते हैं जो उच्च स्तरीय जांच कराकर जो इतने बेघर लोग हुए हैं जिनकी क्षति हुई है वैसे हम संवेदक से असूली करनी चाहिए, वैसे अधिकारी से असूली होनी चाहिए जिनकी गड़बड़ी से ये इतनी बड़ी हादसा हुई है। तो आपने सुना राष्ट्रीय जनता दल के जो विधायक है मुकेश कुमार यादव वो बता रहे थे कि किस प्रकार जो सरकार की लापरवाही है उसका यह नतीजा है कि सीतामढ़ी में आज बाढ़ ने लोगों को अपने आगोश में ले लिया है और पूरा इलाका पानी पानी हो गया है। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।